दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवरी सॉल्यूशन हिंदी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता है, क्या यूज़ होता है। दोस्तों आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता हूँ। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा शेड्यूल ऑप्शन। तो दोस्तों ये काहे के लिए होता है? दोस्तों ये दरअसल फ़ोन को ऑटोमेटिक बंद करने में या उसको ऑन करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसका जो ये दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, इसमें ये दो ऑप्शन ऑफ़ का और ऑन का दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है? दोस्तों ये जो ऑफ वाला जो ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसमें आपको समय सेट कर लेना है कि आपको अपना फ़ोन कब स्विच ऑफ करना है ऑटोमेटिकली। आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें अपना समय सेट करोगे। दोस्तों अब बात आती है ऊपर वाले ऑप्शन की। ऊपर वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको ऐसे ही टाइम सेट करना है कि आपको कितने बजे अपना फ़ोन खोलना है। दोस्तों जैसे कि इसमें दिख रहा है 12:20 पे है ये एम का, यानी ये रात का टाइम है। तो दोस्तों आपको 12 बजे के बाद आपका फ़ोन, यानी कि 12:20 के बाद आपको ये फ़ोन बंद हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल आता है खुलने का। दोस्तों ये फ़ोन आपका जब खुलेगा, जब आप इसमें ऑन टाइम सेट करो कि आपने कितने बजे का भर रखा है। तो दोस्तों मैंने तो इसमें 5 बजे का भर रखा है। दोस्तों मैंने कई बार ट्राई भी करा है, दोस्तों आप भी ज़रूर करके देखिएगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए दोस्तों ये। तो दोस्तों बस यही है शेड्यूल ऑप्शन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको शेड्यूल ऑप्शन समझ में आया हो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों हमें लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों इससे आने वाले टाइम में हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एवरी सॉल्यूशन हिंदी में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता है, क्या यूज़ होता है। दोस्तों आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि शेड्यूल ऑप्शन किस काम में आता हूँ। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से आपको अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा शेड्यूल ऑप्शन। तो दोस्तों ये काहे के लिए होता है? दोस्तों ये दरअसल फ़ोन को ऑटोमेटिक बंद करने में या उसको ऑन करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसका जो ये दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, इसमें ये दो ऑप्शन ऑफ़ का और ऑन का दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों इसको हमें इस्तेमाल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है? दोस्तों ये जो ऑफ़ वाला जो ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसमें आपको समय सेट कर लेना है कि आपको अपना फ़ोन कब स्विच ऑफ करना है ऑटोमेटिकली। आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप इसमें अपना समय सेट करोगे। दोस्तों अब बात आती है ऊपर वाले ऑप्शन की। ऊपर वाले ऑप्शन में दोस्तों आपको ऐसे ही टाइम सेट करना है कि आपको कितने बजे अपना फ़ोन खोलना है। दोस्तों जैसे कि इसमें दिख रहा है 12:20 पे है ये एम का, यानी ये रात का टाइम है। तो दोस्तों आपको 12 बजे के बाद आपका फ़ोन, यानी कि 12:20 के बाद आपको ये फ़ोन बंद हो जाएगा। दोस्तों अब सवाल आता है खुलने का। दोस्तों ये फ़ोन आपका जब खुलेगा, जब आप इसमें ऑन टाइम सेट करो कि आपने कितने बजे का भर रखा है। तो दोस्तों मैंने तो इसमें 5 बजे का भर रखा है। दोस्तों मैंने कई बार ट्राई भी करा है, दोस्तों आप भी ज़रूर करके देखिएगा, हो सकता है आपके किसी काम आ जाए दोस्तों ये। तो दोस्तों बस यही है शेड्यूल ऑप्शन, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो दोस्तों अगर आपको शेड्यूल ऑप्शन समझ में आया हो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों हमें लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों इससे आने वाले टाइम में हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।